कि जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो उनको नक्सली क्रांतिकारी दिखते हैं, और छत्तीसगढ़ के बाहर जब दिल्ली में जाते हैं तो नक्सली हिंसा को रोक नहीं पाने पर सरकार की असफलता की बात करते हैं। वो कौन से नक्सली हैं जो छोटे छोटे बच्चों को बंधक बनाते हैं? वो कौन से क्रांतिकारी हैं जो बस्तर के भोले भाले आदिवासियों को लोक अदालत लगा के, जन अदालत लगा के सिर से धड़ को अलग कर देते हैं? वो कौन से क्रांतिकारी हैं जो स्कूल तोड़ते हैं, अस्पताल तोड़ते हैं, सड़कों को रोकते हैं, बिजली के खंभे तोड़ते हैं? वो कौन से नक्सली हैं जो 40 क्रांतिकारी हैं जो 40 साल में रहने के बाद बस्तर को बंधक बना के रखा है और आज बस्तर पूरे दुनिया से कटा हुआ है? ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मुद्दे के लिए उठाई जाने वाली मुद्दे हैं। नक्सलवाद, आतंकवाद एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, और इस बात को पूरे देश जानता है, और सिर्फ आज चुनाव की राजनीति के लिए इस प्रकार के बयान देना उचित नहीं माना। Hello everyone, subscribe my channel and stay tuned for my upcoming uploads. Follow this link and click on subscribe button.